महाशिवरात्रि के अवसर पर गोरखनाथ के अंधियारी बाग स्थित प्राचीन मानसरोवर मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी रहा। भक्तों ने श्रद्धा से भरे भाव से भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। जलाभिषेक के बाद शिव परिवार की पूजा अर्चना की तथा मंदिर परिसर में स्थापित राम दरबार, राधा कृष्ण और माँ दुर्गा की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना श्रद्धा भाव से किया। गौरतलब है कि एक साल पहले मंदिरों के जीर्णोद्वार के बाद मुख्यमंत्री और गोरखपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा था। साफ सफाई एवं सुरक्षा पर भी खासा जोर था। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए श्रद्धालुओं और मंदिर के पुजारी आचार्य रमेश त्रिपाठी ने कहा, अनुपमा कुशवाहा। अच्छा, कहाँ से आई आप? मैं माया बाजार कुशवाहा वाटिका। आज मैं मानसरोवर मंदिर पे आई हूँ। किस लिए आई हूँ, क्या क्या हो गया? आज महाशिवरात्रि का शुभ अवसर पर हमने दर्शन करने आया था। इसके दो साल बाद मैं आई हूँ। अभी तो काफ़ी डेवलप हो चुका है ये। दो साल बाद ये सब नहीं बने थे, बट अभी काफ़ी अच्छा बन गया है, तो काफ़ी अच्छा लगा दो साल बाद आकर के। काफ़ी कुछ चेंज हुआ, काफ़ी कुछ अच्छा लगा यहाँ आके। अच्छा, शिव जी की पूजा की आपने? हाँ, बहुत अच्छे से की। किस तरह की? आप लोग इसके पहले आई होंगी, कभी दुआ वगैरह मांगी होंगी? हाँ, पूरी हुई हैं अभी? हाँ, ऑब्वियसली ये मेरा फेवरेट प्लेस है और फेवरेट मंदिर भी है। आज मैं सबसे पहले इस मंदिर में आया और ये मंदिर सनातन से ये मंदिर है, और सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर सभी लोगों को बधाई देता हूँ, और भगवान भोलेनाथ से जो मुझे इस मंदिर से प्राप्त हुआ है, यही मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी भक्त आ रहे हैं उन सभी का मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूरा करें। जैसे हम लोगों का भगवान भोलेनाथ ने पूरा किया, वैसे समस्त माँ भक्तों का भगवान भोलेनाथ उनका मनोकामना पूरा करें। जी, हमने भोलेनाथ का पूजा किया है। अनुशिका मौर्य नाम है, मैं मियाँ बाजार से आ रहे हैं जी। आज हमने यहाँ पे पूजा पाठ किया और हम काफ़ी टाइम के बाद आ रहे हैं, और यहाँ पे आए ये देख रहे हैं बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। शिव जी की पूजा किया, आज महाशिवरात्रि का पर्व है। मेरा नाम है सुनीता कुशवाहा। मैं बहुत दिनों से शिवरात्रि मंदिर में, जब पुराना वाला मंदिर था तभी से मैं आ रही हूँ। ये बहुत सिद्धपीठ मंदिर है, सबकी मनोकामना पूरा होता है, और मेरा यहाँ से बहुत आस्था है इस मंदिर से। हाँ, बाबा से जो रोइए जो मांगिए वो मिलता है यहाँ पे ये चीज मिलता है। मेरा ये स्वयं मेरे ऊपर ये है, हम बाबा से मांगे तुरंत बाबा हमने दिया हमको। ये बहुत सिद्धपीठ मंदिर है, आगे भी आती रहेंगे इस मंदिर में जी। बाबा जब तक बुलाएंगे मैं आती रहूंगी। प्रीति गुप्ता, मैं आज यहाँ मानसर
मानसरोवर मंदिर में दर्शन करने के लिए भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करने के लिए आई हूँ। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ लोगों की अति श्रद्धाएँ हैं और लोग इतनी श्रद्धाओं को पूरा करने के लिए आते हैं। नीतू सर्राफ, कहाँ से आई हैं? यहीं जाफरा बाज़ार से। यहाँ पे बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे आने पे, और ये बहुत पुराना मंदिर है। हमारे जो ससुर थे, ससुर के पिताजी थे, सबको यहाँ पे आता था, पूजा करता था, और हम लोग भी आते हैं, पूजा करते हैं, अच्छा लगता है। बहुत प्राचीन मंदिर है ये, इसको माना जाता है। यहाँ पे बहुत भीड़ भी होता है। मेरा नाम आचार्य रमेश त्रिपाठी। पूरे प्राचीन मंदिर है, हजारों साल पुराना यह मंदिर है, जो नाथ संपदा की जो शुरुआत हुई है इस मंदिर से ही लगा हुआ है। जब गुरु गोरक्षनाथ बाबा यहाँ पे आए थे तो इस मंदिर पे आके पहले इस मंदिर पे पूजा अर्चना किए, और इस मंदिर के पूजा अर्चना करने के बाद जब इस स्थान का जगह का उनको अच्छा लगा तो फिर थोड़ा यहाँ से काफ़ी दूर नहीं, थोड़ा दूर जाके उन्होंने यहाँ पे बैठ गए और यहाँ पे उन्होंने आसन लिया और उनका मंदिर बन गया। और इस मंदिर का विशेषता यह है कि दो मंदिर है जो पूरे विश्व में है। एक चीन में है मानसरोवर मंदिर, और एक दूसरा मंदिर मानसरोवर गोरखपुर में है, जो कहा जाता है कि शास्त्रों के द्वारा कहा जाता है कि वर्णन किया गया है कि जब भगवान शिव मानसरोवर मंदिर से चीन से जब वहाँ थे तो वहाँ से जब गुस्साए तो वहाँ से कुछ माता पार्वती से विवाद हुआ, तो वो चल के यहाँ पे आए, यहाँ पे लुकाए हुए थे। जब यहाँ पर प्रगट हुए थे उसके बाद बाबा गुरु गोरक्षनाथ अपने अनेक रूपों में, जब उन्होंने माता पार्वती जी ने उनको कहा खोजने के लिए तो खोजते हुए यहाँ पे आए और यहाँ पे देखे, और फिर माता पार्वती जी को बताए और माता पार्वती जी यहाँ आई और स्वयं शिव जी को मनाते हुए फिर बाबा गोरक्षनाथ को यहाँ पे देते हुए उनके स्थान यह भूमि गुरु गोरक्षनाथ के नाम से, तप अष्टली के नाम से उनको मिल हो गया, और तभी से और यहाँ पे मानसरोवर मंदिर का भी नाम और मानसरोवर मंदिर का पहचान एक बड़े पैमाने पे जाना जाता है। जो दो मंदिर है, चीन में है, गोरखपुर में है, और जब कोई भी कार्य होता है गोरखनाथ मंदिर में, शुभ कार्य होता है या कोई भी पूजा पाठ का कार्य होता है, तो पहले गोरखनाथ मंदिर से इस मंदिर पे आके पूजा पाठ करने के बाद शुभ यात्रा आता है तो यहाँ पे आता है, तब जाके लोग वहाँ जाते हैं। विशेषता यही है।